हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल के लिए बहुत दिल से सॉरी, कल मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। कल सिर में भी दर्द हो रहा था, मेरी आँख में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं कल इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था। तो दोस्तों देखिए, ये जेब्रोनिक्स का आया, मेरे पास कंप्यूटर का सिस्टम है, ये बजाने के लिए जो होता है साउंड सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम है, दोनों स्पीकर में किसी में साउंड नहीं आ रहा। पहले तो एक में आ रहा था, फिर दूसरे में आना बंद हो गया था, कस्टमर का ये कहना है। दोस्तों आप जब एक मैकेनिक तरह काम करते हो दुकान के अंदर, तो आपके पास छोटी चीज़ बड़ी चीज़ सभी तरह की रिपेयर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी काम करते हो। दोस्तों मेरे पास ये छोटा वाला सिस्टम आया है, ये मत कहना सर आप ये छोटी चीज़ क्या रिपेयर करो, मेरे पास छोटे से बड़ी से हर चीज़ आती है रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों इसे करते हैं हम रिपेयर, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको चला कर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसे 5 वोल्ट DC देते हैं, जैसे पता होगा आपको, लैपटॉप के बराबर से या कंप्यूटर के बराबर से, जहाँ पे USB पोर्ट लगता है। और फिर इसमें ऑक्स वाली पिन हम उसकी RC सॉकेट, उसमें सॉरी ऑक्स सॉकेट में लगा देते हैं, जिसमें हमारी ऑडियो आउट होती है। ऐसे हम फ़ोन से इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे साउंड भी फुल कर दिया है इस समय इसका। अभी मैं आपको गाना प्ले करके दिखाता हूँ, मैं सॉन्ग जो भी है प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे प्ले किया सॉन्ग्स, ठीक है। अब मैं जैसे इसकी कोई वॉल्यूम वगैरह बढ़ा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा ना वॉल्यूम से ना कुछ भी, जबकि यहाँ पे हमारा अडेप्टर भी ऑन है और इसकी USB वगैरह सब कनेक्टेड है, फिर भी ये काम नहीं कर पा रहा है। देखेंगे दोस्तों इसे खोल के, इसमें कहाँ से, मैं इसे देखिए हमने खूब इसे करके देख लिया। अगर ये दोस्तों मैं स्पीकर पे ऐसे उंगली क्यों मार रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं बताता हूँ। होता क्या, जब स्पीकर के वायर भी लूज़ होते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत करती है, जो टर्मिनल से कोयल तक जाती है उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सब खोल के ही देखेंगे इसमें कहाँ पे ऐसी समस्या है, क्या नहीं क्या नहीं, मतलब इसमें वोल्टेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट देखेंगे इसमें क्या क्या चेक करना है आपको क्या नहीं। तो कैमरे को सेट कर देता हूँ मैं ज़रा, उसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो इसे दोस्तों हम खोल लेते हैं। हमें खोलना कौन सा वाला है, इसमें जोन से में हमारा एम्पलीफायर सेक्शन है। एम्पलीफायर सेक्शन का पता चला है जिसमें हमारा वॉल्यूम है, इस तरफ एक स्पीकर है, इसमें एक एम्पलीफायर सेक्शन है उसी के अंदर, मतलब जिसमें से सभी लीड आई हुई है उसको हमारा एम्पलीफायर सेक्शन। तो इसमें दो पेच खुले लगे हुए हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें पीछे की तरफ पेच लगे हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे हमें कोई वायर वगैरह भी हटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा PCB बोर्ड लगा हुआ है, इसको बाहर खोल लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। दो पेच लगे हुए हैं उसमें, उसे आराम से निकालते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें क्या समस्या आई है जो हमारे दोनों स्पीकर नहीं बज पा रहे हैं। तो इसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड पूरा काम आप सीख सकते हो, यहाँ पे वन बाय वन आपको काम सिखाया जाता है। तो दोस्तों देखिए हमने बोर्ड बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे USB पोर्ट को चार्जर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। USB चार्जर ले रखा हमने। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर DC पे सेट करके इसमें सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 वोल्ट हमारी आ रहे हैं या नहीं, जो हमारी उसमें पता कैसे लगेगा, दो तार जो होंगे खाली वे 5 वोल्ट के हैं, और जो दो मोटे वाले होंगे इसमें, देखिए ये वाले जो हैं हमारे ये स्पीकर के हैं और ये 5 वोल्ट के हैं, और ये हमारे ऑडियो इनके हैं, ठीक है। जो तीन तार अलग से हैं वो ऑडियो इनके हैं। देखिए यहाँ पे 4.9192 यानी कि 5 वोल्ट के अप्रोक्स मिल रहे हैं, तो वोल्टेज तो प्रॉपर आ रहे हैं, फिर भी हमारे वर्क नहीं कर पा रहा है। जब इस कंडीशन में प्रॉपर वोल्टेज हैं तो करना क्या है, जो वहाँ पर हमारे ऑडियो इनके तार हैं उस पर इस तरह से पेचकस लगा के देखना है, ग्राउंड को छोड़ के। अगर आपको हल्का बहुत नॉइस नज़र आ रहा है स्पीकर में से, पी पी इस तरह हल्का सा नॉइस नज़र आ रहा है एक में से या दूसरे कोई से में भी, तो करना क्या है इस कंडीशन में, आपको यहाँ पे लीड को चेक करना है, ऑक्स वाली लीड जो है हमारी, इसमें से तीनों वायर को हटा लेंगे, जो बोर्ड में अंदर तीनों वायर लगे हुए हैं इन्हें तीनों को हटा लेते हैं जरा एक बार। पहले इसे ऑक्स लीड को हमें चेक करना है, चेक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों लीड को चेक करने में, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है, या कोई भी कन्फ्यूज़न देख के हो ही जाती है, फर्स्ट टाइम कहूँगा कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे सब सिखा दूँगा आपको। देखिए जब एक तरफ से आप पिन पकड़ लीजिए और एक तरफ जो इसके तीनों वायर लिकड़े हुए हैं वो पकड़ लीजिए। करना क्या है, कोई सी मल्टीमीटर की एक प्रोब लीजिए और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी माउंट पर लगाइए, और पिन की सबसे लास्ट वाली पिन पर रखो, सबसे लास्ट वाली जो, और सबसे लास्ट वाली नीचे वाली होती है, ठीक है। और जोन्स को तीनों में से कोई से वायर पे ऐसे टेस्ट कर करके देखो, तो एक पे कोई से पे रीडिंग मिलेगी, ज़्यादातर ब्लैक पे मिलेगी क्योंकि सबसे लास्ट वाला ब्लैक होता है, ग्राउंड होता है। तो देखिए यहाँ पे मिल लिया, ठीक है। अब अगले वाले पे जाते हैं जो इससे ऊपर है, मतलब जो ग्राउंड वाले से ऊपर है,
तो अगले वाले से भी कोई और वायर पे मिलेगी, जो वायर पे मिली थी हमें उससे ऊपर पे, देखिए यहाँ पे ये बीच वाली पिन पे, ठीक है। एक प्रोब यहाँ रखी, ठीक है, इस पर रख के हम उंगली से दबा लेंगे। फिर कोई से भी वायर पे, तीनों में से कोई से वायर पे एक पे रीडिंग आएगी, जो इस पे आ गई थी उसको छोड़ के अगले वाले दो पे, ठीक है। तो देखिए कोई से पे भी हमें फ़िलहाल यहाँ रीडिंग नहीं मिली। अब सबसे लास्ट वाले पे पिन पे रखते हैं, तो इससे भी हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे और अदरवाइज़ कोई से वायर पे नहीं मिल पा रही, तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी ये लीड ख़राब है। हमारी तीनों पिन से तीनों अलग अलग वायर पे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए थी, तो उस कंडीशन में हमारी लीड ओके थी। तो इस कंडीशन में हमारी सिर्फ एक ही वायर पे मिली, यानी कि ग्राउंड पे, तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी लीड ख़राब है। तो इस लीड को बाहर निकालेंगे और हम यहाँ पर ऑक्स वाली लीड नहीं लगाएंगे। ऑक्स वाली लीड जो हम सेल करते हैं यहाँ पर शॉप पर अपनी, उसे ही लगा देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो दोस्तों देखिए ये है मेरे पास, और इसकी लेंथ आपको सेम दोस्तों इतनी लंबी रखनी है, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि मेरी इसकी लीड छोटी बड़ी मत करना, और साइज़ मैंने अपने हिसाब से सेट करवा रखा है इसका, तो ठीक है उसके हिसाब से ही हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए काफ़ी इसकी लेंथ लंबी है, 1.5 मीटर की है मेरे पास, ठीक है। और जो इसके अंदर से लकड़ी है वो 1.25 मीटर का अप्रोक्स है, तो ठीक है इसको देखते हैं ज़रा, काफ़ी बड़ी है ये। और हम करना क्या है, जो पुराने वाले उसको बराबर में रख के इसे इस तरह से रख के नाप लेंगे, क्योंकि कस्टमर का अगर बड़ा छोटा होगा तो वो कहेगा कि सर आपने वही काम कर दिया, तो पैसे देने में ना करना की करेगा। तो करने का देखिए हमें यहाँ तक ये बराबर आ रही है, तो यहीं से हम इसे काट लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक कस्टमर के मन का काम नहीं करोगे, जब तक कस्टमर फुल पैसे नहीं देता और वो इम्प्रेस नहीं होता आपके, और आपका नाम भी गंदा होता है। तो काम ऐसा करो जो कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, और आपका नाम भी बना रहे, नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे लास्ट वाली पे रखा, तो यहाँ पे ब्लैक वाली पे मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड इसमें ज़्यादातर ब्लैक होता है, ठीक है, ये मैं अंदाज़ा बता दूँ। तो अगले वाला चेक करते हैं, देखिए अगले वाले पे, तो अगले वाले पे या तो पीले पे या फिर लाल पे, तो लाल पे नहीं, पीले पे मिल गया, देखिए पीले पे मिल गया, ठीक है। अगले वाला ठीक है, सबसे लास्ट वाला चेक करते हैं, अब तो रेड बचा है, रेड पे मिलेगा, देखिए रेड पे मिल रहा है, तो ठीक है ओके हमारी लीड। इस तरह से चेक करते हैं, तो देखिए और बाकी शॉर्ट वगैरह भी नहीं है, तो इसी तरह से चेक करते हैं लीड को। तो इस पे लीड पर दोस्तों थोड़ा हल्का सा पेस्ट लगा के सोल्डिंग करेंगे इसको बाद में। तो अब हम इसमें करना क्या है, पहले से यहाँ पे ऐसे ही हम लगा के देख लेते हैं दोस्तों, ग्राउंड और लेफ्ट राइट का पता चला है। जो एक हमारा जी लिखा होता है वो ग्राउंड होता है, एल हमारा लेफ्ट होता है, आर हमारा राइट होता है। तो जी ग्राउंड कहाँ से लेना है आपको, चारों तरफ से ग्राउंड ही होता है, बैटरी का माइनस ग्राउंड ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। और लेफ़्ट राइट तो आपको पता ही है, उसमें पिन वैसे दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों पहले यहाँ पे कनेक्शन करके ऐसे ही हम लीड को खुले हुए एक बार चेक कर लेंगे स्पीकर को, कि इसमें लीड का ही फॉल्ट है या फिर अदरवाइज़। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आज मैं कटिंग पिटिंग करके कोई अदरवाइज स्पीकर नहीं लगाओगे, इसकी ज़िंदगी में आईसी नहीं फूकने वाली, ठीक है ना, अगर आप 5 वोल्ट ही देते हो, क्योंकि इसके स्पीकर और आईसी बिल्कुल ओम्स मैच करा रखे। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले किया और हमें यहाँ पे आवाज़ आने लगी है, एक स्पीकर में नहीं है शायद, इसका वायर हट गया, देखिए इसका वायर एक टूट गया है, इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं, आप इसको छील लेते हैं हल्का सा, और ये हट गया था दोस्तों, क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं, एक दो वायर हटेगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ना समझ हैं तो करना क्या है, सबसे पहले खोलते ही आप फ़ोटो खींच लेना है, कि उसे पता लग जाएगा आप कौन सा वायर कहाँ है। तो ये मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी आपको, अगर आप नए नए हो, मतलब नए नए मैकेनिक हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ट्रिक है, खोलते ही फ़ोटो खींच लो, वो पता लग जाए कौन सा वायर कहाँ है। अगर किसी वजह से वो आगे वर्तमान में कट भी गया या फिर हट गया, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप दोबारा से लगा सकते हो, ये चीज़ सेव करके रख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों देखिए मैंने दोनों वायर स्पीकर को कनेक्ट पूरी तरह से अच्छे से कर दिए हैं, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। जो स्पीकर दोस्तों खुला होता है वो ज़्यादा अप डाउन होता है, जो खुला नहीं होता वो ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, क्योंकि एयर पास इसमें डायरेक्ट हो रही है। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर वर्क कर रहा है बेहतरीन तरीके से, दोनों स्पीकर वर्क कर रहे हैं, देखिए पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं दोनों स्पीकर। तो ये सिर्फ हमारा दोस्तों लीड का फॉल्ट था, जिस कारण ये समस्या आई थी, ये ऑक्स वाली लीड, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे पर होगा तो शायद उस पर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हाई बजेगा, क्योंकि जब तक स्पीकर बॉक्स में पैक नहीं होता तो उसके अप डाउन फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है। तो गाना पॉज करते हैं और इसको करते हैं अब दोस्तों, करना क्या हमें इसे पैक। तो लीड को अंदर की तरफ से निकाल लेंगे, देखिए वॉल्यूम मंदी तेज करके देखता हूँ, देखिए वॉल्यूम वगैरह भी काम कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम मंदी तेज वगैरह भी हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सब ओके है। तो हमें करना क्या, लीड को इसको अंदर की तरफ से निकाल देंगे, हमने बाहर से लगा रखी है, और इसको करेंगे अब दोस्तों पैक।
हमने जैसे भी यहाँ पे खोला था इसको ऐसे ज़रा पैक कर देंगे, लीड को अंदर की तरफ निकाल के इसकी सोल्डिंग कर देंगे तीनों वायर की, और इसको कंप्लीट ऐसे ही पैक करके ज़रा अब फुल्ली चेक करते हैं कि ये साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं। दोनों पेच लगा दें, अब ज़रा से सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों हमें साउंड बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है और वॉल्यूम भी मंदी तेज़ वगैरह हो रही है, तो ये हमारा साउंड सिस्टम अब ओके हो चुका है। देखिए स्पीकर वर्क कर रहा है, देखिए अप डाउन कोर से देखिए, ठीक है एक स्पीकर। अब नेक्स्ट स्पीकर दिखाते हैं, तो ये है दूसरा स्पीकर दोस्तों। अभी सॉन्ग दूसरा मतलब थोड़ा आगे होगा ज़्यादा, देखिए अभी यहाँ पे आएगा जब बेस आएगी इसमें अप डाउन होगा, यानी कि दोनों स्पीकर वर्क कर रहे हैं। अगर इस कंडीशन में आपका स्पीकर एक ही वर्क करता तो करना क्या है, वॉल्यूम को आपको डायरेक्ट भी कर देना, क्योंकि कंप्यूटर से मंदी तेज़ कर सकते हो आप, इसे कहाँ छेड़ होते फिर होगा। तो वॉल्यूम को डायरेक्ट कर देना, ग्राउंड को छोड़ के इनपुट और आउटपुट डायरेक्ट कर देने हैं, तो उसमें कंडीशन में आपके दोनों स्पीकर वर्क करेंगे और लीड आपको चेंज कर देनी है, दोनों स्पीकर बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए प्रॉपर तरीके से हमारे कंप्लीट हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।